अगर आपने भी कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है तो ये खबर आपके और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ENN भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति। कोरोना महामारी के समय लोगों को जान से बचाने के लिए जिस कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था, वही वैक्सीन अब लोगों की मौत का कारण बन रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ब्रिटेन की अदालत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार ये माना है कि COVID-19 की उसकी वैक्सीन से TTS जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। TTS यानी कि थ्रोम्बोसिटोपेनिया सिंड्रोम, जो कि शरीर में खून के थक्के जमने की वजह से बनती है। बॉडी में ब्लड क्लॉट बनने के चलते व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक होने की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा यह सिंड्रोम बॉडी के प्लेटलेट गिरने का कारण भी बन सकती है। यह खबर भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर COVID-19 के प्रसार के दौरान बड़े पैमाने पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से इस्तेमाल किया गया था। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से हासिल लाइसेंस के तहत ही देश में इस वैक्सीन का उत्पादन किया था और इसे सिर्फ भारत के कोविड टीकाकरण के अभियान में ही इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि दुनिया के कई देशों को निर्यात भी किया गया था। कोविशील्ड के अलावा इस वैक्सीन को कई देशों में वैक्स जेवेरिया ब्रांड के नाम से भी बेचा गया था। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका पर यह मुकदमा जेमी स्टॉक ने दायर किया था, जो कि इस टीके के लगने के बाद ब्रेन डैमेज के शिकार हुए थे। कई परिवारों ने भी कोर्ट में इस टीके के दुष्प्रभावों की शिकायत की थी, जिसके बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने इस बात को कबूल लिया है कि इस वैक्सीन से ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करें भारत की, तो कोविड के बाद भारत में ऐसी मौतों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी जिनके कारण का स्पष्ट पता नहीं चल पाया था। इसमें से अधिकांश को किसी न किसी शारीरिक समस्या से जोड़कर देखा गया था, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य जगत ने यह कभी नहीं माना कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण ऐसा हो सकता है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ये साइड इफेक्ट कुछ रेयर केसेस में ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देश में अचानक लोगों की मौतें हो रही हैं, वो चिंता का गंभीर विषय है। अब कंपनी के इस कबूलनामे के बाद भारत में भी मुकदमों का दौर शुरू होने की संभावना है, साथ ही इसका राजनीतिकरण भी होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि जिस समय ये वैक्सीन देश में आई थी उस वक्त BJP सरकार ने इसे परमिशन दी थी। इस वैक्सीन का क्रेडिट भी BJP सरकार ने लिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो छपवाई थी। इतना ही नहीं, BJP ने वैक्सीन के नाम पर वोट भी मांगे। खुद BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कहा था कि PM मोदी ने 9 महीने के भीतर हमारे जमीन पर 2 टीके बनवाए, आप सभी को डबल डोज और बूस्टर डोज का टीका लगाया गया और आपकी रक्षा की। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उनकी रक्षा करें जिसने हमारी रक्षा की है, हमें उस पार्टी की रक्षा करनी है। लेकिन अब जब इस वैक्सीन से लोगों की जान को खतरा होने की आशंका है, तो क्या मोदी सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेगी? इस खबर के सामने आने के बाद तो अब BJP सरकार पर और भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या भाजपा और मोदी जी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया और फटाफट स्वीकृति दे दी थी, क्योंकि भारत में ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया थी और BJP ने इस कंपनी से इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के रूप में 50 करोड़ का चुनावी चंदा लिया था। वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।